नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम एचटीएमएल को रिवाइज करेंगे। एचटीएमएल फॉर्म्स और फ्रेम्स को रिवाइज करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम स्टाइल शीट्स को भी रिवाइज कर पाए। और इससे पहले की कक्षा में हमने लिस्ट क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना, इसका रिविजन करा था। तो फॉर्म्स आपको पता है क्या होते हैं? जैसे सिंपल सा अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें क्या होगा? आपको जैसे यहां पे लिखा है नेम, एक बॉक्स होगा जिसमें आप नाम एंटर कर सकते हैं। लेट से यहां पर है एड्रेस, तो यहां पर एक बड़ा ब्लॉक होगा जिसमें आप एड्रेस एंटर कर पाए। यहां पे अगर सिटी लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास यहां पर एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें सिटीज आती हैं, आप सिटीज सेलेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह का फॉर्म, जैसे आपने पहले कागज पे फॉर्म्स भरे हैं कोई भी एंट्रेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए, एग्जाम का फॉर्म, ये सब आप फिल करते हैं। जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वहां पर तरह तरह के फॉर्म्स होते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म, या जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वेबसाइट जो है वो आपकी डिटेल्स लेकर आपको एक रजिस्टर्ड यूजर के रूप में अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं आपका डेटा। तो ये जो डेटा है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए, मान लीजिए यूजर का फीडबैक लेना है, या यूजर कोई क्वेरी फिल कर रहा है, या मान लीजिए आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कर रहे हैं, तो आपको उसमें अलग अलग पैरामीटर्स बताना होगा। आपका नाम क्या है, आपको कितनी सीट्स चाहिए, आपको कौन सी सीट चाहिए, किस समय की चाहिए, किस पिक्चर की चाहिए, कौन से शो की चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो ये सारा जो डेटा है ये आप कैसे देंगे वेबसाइट पर? आपके पास एक फॉर्म दिखाई देगा, वो फॉर्म आप फिल करेंगे। तो इस फॉर्म में अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, जैसे यह एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ये अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स हैं। इन फॉर्म एलिमेंट्स को आप फॉर्म के अंदर, एक फॉर्म जब आप बनाएंगे तो फॉर्म के अंदर आप इन फॉर्म एलिमेंट्स को काम में ले सकते हैं, राइट? तो इन फॉर्म एलिमेंट्स के माध्यम से, इन फॉर्म एलिमेंट्स में जो यूजर फिल करेगा, जैसे मान लीजिए आपने दो रेडियो बटन्स बनाए, तो यूजर जिस रेडियो बटन पे क्लिक करेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो सबमिट होगी। फॉर्म क्या होता है कि जो आपसे पैरामीटर, आपसे डेटा एक्सेप्ट जिस फॉर्म में करेगा, फॉर्म को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट क्या है, एक बटन होगा जिस पर क्लिक कर देने से आपने जो भी डेटा भरा है वो जाकर बैकएंड में सेव हो जाएगा, राइट? और हमेशा के लिए वो चीज स्टोर हो जाएगी, आपका दिया हुआ डेटा, और फिर वेबसाइट उसको काम में ले सकता है। जैसे आपको किसी चीज के बारे में बताना है, नोटिफाई करना है, उन सब चीजों के लिए वो काम में ले सकता है। आपने कोई मान लीजिए फीडबैक दिया है तो अपने फीडबैक एनालिसिस के लिए वो उस डेटा को काम में ले सकता है। आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो जब नेक्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे तब आपके डेटा को काम मिलेगा, राइट? तो एक बटन बना हुआ होता है, सबमिट ज्यादातर उस पर लिखा रहता है, या एंटर, तो उस पर क्लिक करते ही आपने जो भी डेटा भरा है वो सेव हो जाता है। तो इस तरह का फॉर्म जो है वो आप भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म टैग काम में लेना होता है। हम लिखते हैं फॉर्म, इस फॉर्म को, क्योंकि विभिन्न प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं एक वेब पेज पर, तो इसको आप कोई एक नाम दे सकते हैं, राइट? अलग अलग फॉर्म्स हैं तो आप उसको एक नाम दे सकते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर आपको जो भी कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे अब ये फॉर्म हम बना रहे हैं तो इसमें नाम है, नाम के आगे टेक्स्ट बॉक्स आएगा। ये जैसे जैसे यहां पर मैंने लिखा नेम,
तो एज इट इज ये डिस्प्ले हो जाएगा. फिर मान लीजिए इसके आगे मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. इस इनपुट बॉक्स को यहां पर हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली हम चाहते हैं नाम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए जहां पर यूजर अपना नाम दे सके. अब इस ये एक फॉर्म एलिमेंट है, ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, एक फॉर्म एलिमेंट है. इस फॉर्म एलिमेंट को भी आप एक नाम दे सकते हैं. ये नाम इसलिए देते हैं ताकि हम जरूरत पड़ने पर अपनी स्क्रिप्टिंग के माध्यम से इस एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस कर पाए. राइट, तो इसको आप एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि लेट से मैंने इसको नाम दे दिया N1. अब आप चाहते हैं इसके बाद एक नई लाइन में, तो आप यहां पे लिख देंगे BR. अब मान लीजिए यहां पर इसके बाद आप चाहते हैं कि वो आपसे पूछ ले कि आप मेल फीमेल जेंडर के लिए पूछ ले, तो यहां पर इस तरह से आ जाएगा, दो रेडियो बटन्स बन जाएंगे. तो रेडियो बटन्स बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो. इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, इस तरह से. और इस रेडियो बटन को, तो एक रेडियो बटन बना हुआ दिखाई देगा, अब इसको भी एक नाम दे देंगे हम, अब इस रेडियो बटन के आगे अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं या इससे पहले कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप वो कोड जो है वो एज इट इज लिखेंगे. जैसे मान लीजिए हम मेल के लिए M और फीमेल के लिए F दिखाना चाहते हैं, तो एक और रेडियो बटन हमने बना दिया. अब यहां पर क्योंकि ये रेडियो बटन्स जो हैं वो एक ग्रुप के हैं तो इनका नाम सेम रहेगा. नेम इक्वल्स टू क्या देंगे, ऊपर वाला ही. क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही उसको बिलोंग कर रहे हैं. आप चाहते हैं इन दोनों रेडियो बटन में से एक ही सेलेक्ट हो, यही होता है रेडियो बटन की प्रॉपर्टी. तो एक ग्रुप के जो रेडियो बटन होंगे उनको आप सेम नेम देंगे. राइट, तो ये दो पास पास में रेडियो बटन बनकर आ गए मेल और फीमेल के लिए. उसके बाद हम चाहते हैं नई लाइन पर क्या हो कि हमसे वो सिटी पूछे. राइट, तो सिटी के लिए हमने एक सेलेक्ट, अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, ड्रॉप डाउन कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से. जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो ऑप्शंस भरे हैं वो दिखाई देते हैं और फिर हम उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन सकते हैं. इसका भी हमने एक नाम दे दिया, लेट से सिटी. हमेशा हम जो भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर नाम देना चाहिए. जैसे यहां पर हमने N1 G1 दिया, ये सही अप्रोच नहीं है. लेकिन अगर आप इस सेलेक्ट बॉक्स में सिटी स्टोर कर रहे हैं, सिटी इसके माध्यम से कर रहे हैं, तो इसको नाम भी हम प्रॉपर दें, ये हमारी शुरू से ही हैबिट होनी चाहिए. अब इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो आप ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन. अब इस ऑप्शन में आपको डिस्प्ले कराना है जयपुर, ये ऑप्शन यहां पर खत्म हो गया. इसी तरह से दूसरा ऑप्शन क्या होगा, लेट से कोटा. तो इस तरह से सारे ऑप्शंस आप यहां पर मेंशन करेंगे. एक और ऑप्शन हमने दे दिया, इस तरह से ये कंप्लीट लिस्ट हम बना देंगे. और फिर इस सेलेक्ट को, ये जो सेलेक्ट हमने यहां ओपन किया, ये यहां पे नीचे क्लोज होगा. इस तरह से हमारा फॉर्म आगे बढ़ेगा. तो इस फॉर्म में हमने सबसे पहले लिखा नेम, नेम के आगे आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है. फिर नेक्स्ट लाइन में आपके पास मेल फीमेल के दो रेडियो बटन्स आ रहे हैं.
उसके बाद आपके पास सिटी के लिए एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। जब इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सिटी के नाम जो भी हमने यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हैं उनको दिखाएगा। आप जिस भी सिटी पे क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने कोटा चुना तो इसमें कोटा सेलेक्ट हो जाएगा। जब आप सबमिट करेंगे तो सिटी इक्वल्स टू क्या पास होगा, कोटा, राइट। इस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है। तो टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया, रेडियो बटन्स बना लिए। अब मान लीजिए इसके आगे आपको चेक बॉक्सेस बनाने हैं। चेक बॉक्सेस कैसे दिखते हैं, इस तरह के। जब आप उनको चुनते हैं तो इस तरह से निशान आ जाता है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वालिफिकेशन के लिए चेक बॉक्सेस बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, चेक बॉक्सेस बनाने के लिए हम लिखेंगे इस कोड को आगे बढ़ाते हुए। हमने बीआर दिया और इसके बाद हमें क्वालिफिकेशन मान लीजिए एंटर करवानी है। हमने लिखा क्वालिफिकेशन, राइट। तो जो भी कुछ आपको डिस्प्ले करना है टेक्स्ट, वो आप एज इट इज लिख सकते हैं। आपको कोई इमेज डालनी है, आप इमेज टैग लगा सकते हैं। आपको लिंक लगाना है फॉर्म के अंदर, आप पूरा अपना जैसा भी कोड, आप जैसे भी चीजें लिखते आए थे वैसे लिखेंगे। और जहां कहीं भी आपको फॉर्म एलिमेंट बनाना है तो फॉर्म एलिमेंट के लिए जो कोड है वो लिखना होगा। तो क्वालिफिकेशन के लिए हमने यहां पर चेकबॉक्स बनाए। अब हम चाहते हैं यहां पर चेकबॉक्स आए तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक, चेक बॉक्स। इसको एक नाम दे दिया हमने डबल कोट्स में। हम कोई भी चीज जैसे हम चेक बॉक्स लिख रहे हैं या क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो डबल कोट्स में हम इसको लिखेंगे। इसकी अगर हम चाहें तो वैल्यू दे सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू हमने दे दी बीएससी, और हम चाहते हैं इससे पहले बीएससी लिखा हुआ भी आए, जिससे कि यूजर को पता चल जाए कि अगर इस चेकबॉक्स को हम चुनेंगे तो क्वालिफिकेशन कौन सी जाएगी, बीएससी। इसी तरह से आगे एक और चेकबॉक्स हमने बना दिया, और इसकी वैल्यू हमने दी अब की बार तो इस तरह से हम जितने भी चेक बॉक्सेस बनाने हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए उनको बना देंगे। और ये हमारा क्वालिफिकेशन का पूरा यहां पर आ जाएगा, जितने भी आपको बनानी है, राइट। ये दो हमने बनाए हैं, आप बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, सबके लिए आप इस तरह के चेकबॉक्सेस बना देंगे। जिस भी चेकबॉक्स पे यूजर क्लिक करेगा उसकी वैल्यू सबमिट हो जाएगी। जैसे आपने यहां पर लिखा बीएससी है, लेकिन वैल्यू सबमिट क्या होगी, जो आपने वैल्यू में दिया है। बीएससी के आगे जो चेकबॉक्स बनाया है उसकी वैल्यू हमने दी है बीएससी, अर्थात हम इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू सबमिट होगी वो होगी बीएससी। तो इस तरह से हम अलग अलग वैल्यूज देकर चेक बॉक्सेस बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ चेक बॉक्सेस की वैल्यू दी है, ठीक उसी प्रकार से हम रेडियो बटन्स की भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहां पर हमने रेडियो बटन बनाया था तो यहां पर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं वैल्यू इक्वल्स टू, जैसे कि यहां पर अगर हमने ये मेल के लिए बनाया, हम चाहते हैं वैल्यू पास हो एम, तो इस तरह से हम लिख देंगे, राइट। तो रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ये सब आप बना सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको पासवर्ड यूजर से लेना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। ये अगर आप लिखेंगे
तो जो बॉक्स बनकर आएगा उसमें जब आप टाइप करेंगे तो वो पासवर्ड बॉक्स है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें जो आप टाइप करेंगे वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये पासवर्ड बॉक्स है, तो आपको जो भी चीज आप टाइप करें उसकी जगह सर्कल्स आपको नजर आएंगे, ताकि आप का जो पासवर्ड आप एंटर कर रहे हैं वो कोई भी पढ़ ना पाए। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाना आ गया, पासवर्ड बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक अगर मान लीजिए एड्रेस के लिए हमें बड़ा सा टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो टेक्स्ट एरिया हम बना सकते हैं। टेक्स्ट एरिया कैसे बनाएंगे? टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हम बताएंगे कि कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया बनाना है, कितने रोज और कितने कॉलम्स का। जैसे मान लीजिए यहां पर हम एड्रेस यूजर से लेना चाहते हैं, अब एक छोटे से टेक्स्ट बॉक्स में एड्रेस नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। फॉर्म एलिमेंट हम कौन सा काम में लेंगे? टेक्स्ट एरिया। और इसमें हम बताएंगे कि ये टेक्स्ट एरिया कितने रोज और कितने कॉलम्स का होगा, यानी कि यहां पर हमने दिया है 10x10 का टेक्स्ट एरिया। इसका भी आप नाम देना चाहे नेम इक्वल्स टू, जो भी इस फॉर्म एलिमेंट का नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, और इसके बाद इसकी क्लोजिंग भी आपको देनी पड़ेगी। अगर इस ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में हम यहां कुछ लिख देते हैं तो वो चीज उस टेक्स्ट एरिया में दिखाई देता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट एरिया में कुछ लिखा हुआ आए तो वो हम इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिख सकते हैं, राइट? अब मान लीजिए आप चाहते हैं नीचे एक सबमिट बटन हम बनाएं, ताकि यूजर उस पर क्लिक करके अपनी वैल्यू सबमिट कर दे, तो उसके लिए आप लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और इस सबमिट बटन पे क्या लिखा हुआ नजर आए वो आप देंगे उसकी वैल्यू में। इसी तरह से अगर आप चाहें तो रीसेट बटन भी बना सकते हैं, जिस पर क्लिक करने से फॉर्म में यूजर ने जो भी इनपुट्स दिए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे रीसेट, और जो भी उसके ऊपर बटन के ऊपर आपको दिखाना है टेक्स्ट वो आप इस तरह से लिख सकते हैं वैल्यू के अंदर। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स के माध्यम से आप बड़े से बड़ा फॉर्म, किसी भी तरह का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स आपको काम में लेने होंगे, और फिर आप किसी भी तरह का फॉर्म हो, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स, एक पासवर्ड बॉक्स, सबमिट बटन, ये बनाना होगा। इसी तरह से अगर कोई फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं तो यूजर का फीडबैक लेने के लिए आपको एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा, जहां पे वो अपने कमेंट्स लिख सके। तो ये सारे फॉर्म एलिमेंट्स काम में लेकर आप किसी भी तरह का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और यूजर से उनके इनपुट्स जो है वो ले सकते हैं। चलिए बच्चों, फॉर्म्स का हमने रिविजन कर लिया, आगे हम फ्रेम्स का रिविजन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जन टीवी फ्री चैनल है, अगर आप जन नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। जन टीवी एक फ्री चैनल है, अगर आप जन टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। जन टीवी एक फ्री चैनल है, अगर आप जन टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। जन टीवी एक फ्री चैनल है, अगर आप जन टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। जन टीवी एक फ्री चैनल है, अगर आप जन टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें।
जन टीवी बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया। ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने फॉर्म डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स को स्टडी किया, रिवाइज किया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम अपने कंप्यूटर पे, और उसके बाद हम फ्रेम्स को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाया है, जिसमें हम यूजर से पर्सनल इन्फो ले रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड एंटर करवा रहे हैं। उसके बाद जेंडर के लिए ये दो रेडियो बटन्स हमने बनाए हैं, मेल फीमेल के। राइट, तो आप यहां पे देखिए, ये जो पर्सनल इन्फो हमने लिया, इसको ग्रुप कर दिया। ये अगर आपको लाइन दिख रही हो, ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन को ग्रुप कर सकते हैं, पर्सनल इन्फो या इस तरह से हमने दिया है। तो अभी इसका कोड देखेंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, जिसमें हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पासवर्ड। जब पासवर्ड टाइप करेंगे, ये देखिए, पासवर्ड टाइप करेंगे तो आपको जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह से आ रहा है, क्योंकि ये एक पासवर्ड बॉक्स है, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। इसी तरह से मेल फीमेल एक्सेप्ट करने के लिए, जेंडर के लिए ये हमने रेडियो बटन यहां पर लगाए हैं, क्वालिफिकेशन के लिए चेक बॉक्सेस। रेडियो बटन की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसमें से एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स में, जैसे कि मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन है बीबीए और एमबीए, तो आपने दोनों सेलेक्ट कर लिए, यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हैं। देन सेलेक्ट योर स्टेट, उसके लिए हमने ये ड्रॉप डाउन बनाया है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए, सारे जो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो आ रहे हैं। आपने सेलेक्ट किया महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र, जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो महाराष्ट्र ही सबमिट होगा, और ये टेक्स्ट एरिया जहां पे आप जितना भी टेक्स्ट चाहे टाइप कर सकते हैं। यहां पर जो ये बटन है क्लिक मी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से एंटर और क्लियर, ये भी हमने बनाए हैं सबमिट करने के लिए। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, हमारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट जो सर्वर है, जो भी हम जहां पर सबमिट कर रहे हैं वहां सबमिट हो जाएगी। हम उस डेटा को रिट्रीव करके बैकएंड में किसी डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप ये जो आपकी टाइटल बार होती है, टाइटल बार के ठीक नीचे एड्रेस बार आती है, जिसमें आपको पेज का एड्रेस नजर आता है, ये वाली। यहां पर अगर आप देखेंगे तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपने जो जो फॉर्म एलिमेंट्स लिए हैं उनके नाम के आगे इक्वल्स टू और उसकी वैल्यू लिखी हुई दिखाई देगी। फॉर्म एलिमेंट इक्वल्स टू फॉर्म एलिमेंट की वैल्यू, जो भी आपने यहां पर वैल्यू लिखकर सबमिट करा है वो चीज आपको एड्रेस बार में नजर आ जाएगी। जैसे जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, क्वालिफिकेशन के लिए क्यूसी हमने उस चेकबॉक्स का नाम दिया था, तो क्यूसी इक्वल्स टू बीबीए एंड क्यूसी इक्वल्स टू एमबीए। ऐसा दो बार क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने दो चेक बॉक्स सेलेक्ट करे थे, राइट? इस तरह से पासवर्ड इक्वल्स, जो भी चीजें आप सबमिट करेंगे वो आपको इस एड्रेस बार में नजर आ जाएंगी।
ये नजर ना आए इसके लिए भी एक कुछ होता है, जैसे कि हम फॉर्म का मेथड बताते हैं, हम फॉर्म का मेथड गेट या पोस्ट बता सकते हैं। तो एक बार इसका हम कोड खोलते हैं, ये यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको हम नोटपैड या किसी अन्य एडिटर में ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर हमने एक और टैग काम में लिया है, फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा फॉर्म एक ग्रुप होकर आ रहा है, बॉर्डर आ रही है उसके चारों तरफ, तो वो फील्ड सेट की वजह से हो रहा है। और इस फील्ड सेट को क्या नाम देना है, जैसे इसको हमने नाम दिया पर्सनल इन्फो, तो वो चीज डिस्प्ले हो रही है, जैसा कि आपने यहां पर देखा। ये फील्ड सेट हमने लिया है, इस फील्ड सेट की वजह से अगर आप यहां पर देखें तो ये जो आपका पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये जो पर्सनल इन्फो आ रही है लिखी हुई, ये पूरा ग्रुप कर रहा है आपके फॉर्म को, ये यहां तक, तो ये इस फील्ड सेट की वजह से हो रहा है। तो फॉर्म हमने लिया, नाम दिया उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमने यहां पर मेथड दिया है गेट, ये भी एक एट्रीब्यूट है मेथड। अगर हम इसको गेट रखते हैं तो आप जो भी वैल्यू सबमिट करेंगे वो आपको एड्रेस बार पे नजर आएंगी। अगर आप इस गेट की जगह पोस्ट लिख देंगे तो ऐसा नहीं होगा, फिर आप एड्रेस बार पर जो वैल्यूज आप सबमिट कर रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आप मेथड पोस्ट रख सकते हैं, अदरवाइज गेट रख सकते हैं। और अगर इसको आप मेंशन नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेथड गेट होता है। तो इस फील्ड सेट को एक लीजन, एक नाम दे दिया हमने पर्सनल इन्फो का, फिर हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, इसी तरह से लास्ट नेम के लिए भी हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, पासवर्ड एंट्री कराने के लिए हमने पासवर्ड बॉक्स बनाया है, और जेंडर इनपुट कराने के लिए हमने ये रेडियो बटन्स बनाए हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, इसको नाम दे दिया हमने जेंडर, दोनों रेडियो बटन्स को हमने नाम दिया है जेंडर। और इनकी वैल्यू, जो पहला वाला हमारा है उसकी वैल्यू हमने दी है मेल, और दूसरे वाले की हमने वैल्यू दी है फीमेल। इस मेल वाले चेकबॉक्स के आगे हमने लिखा है चेक्ड, इसके साथ ही हमने लिखा है चेक्ड, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये वाला रेडियो बटन जो है वो चेक्ड होगा, और इस रेडियो बटन के आगे हमने मेल फीमेल भी लिख दिया है, ताकि यूजर को पता रहे कि वो कौन से चेकबॉक्स पर क्लिक कर रहा है। इसके बाद हमने चेक बॉक्सेस बनाए हैं क्वालिफिकेशन के लिए, ये देखिए स्टेट के लिए हमने सेलेक्ट यूज करा है, और अलग अलग स्टेट्स हमने यहां पर लिखी हैं ऑप्शन के अंदर, इस ऑप्शन को भी हमने वैल्यू दी है, ताकि जब यूजर इनमें से कोई ऑप्शन चुने तो उसकी वैल्यू क्या सेंड हो, जो यहां पर हमने मेंशन करी है। ये तो जस्ट टेक्स्ट है जो कि डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन क्या वैल्यू सबमिट होगी जो आपने यहां पर लिखी है। टेक्स्ट एरिया हमने बनाया है, एक बटन बनाया है, सिंपल एक बटन बनाने के लिए हम लिखेंगे बटन, टाइप उसका बटन रहेगा, ऑन क्लिक पे अगर आप कुछ चाहते हैं जैसे कि कोई अलर्ट मैसेज, तो उसके लिए चीज लिखी गई है ऑन क्लिक इक्वल्स टू अलर्ट, अलर्ट के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखिए जब इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो एक अलर्ट मैसेज आएगा हमारे पास, जो कि अभी यहां पर नहीं आ रहा, इसको हम क्रोम में जब ओपन करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ये जो यहां पर हम कर रहे हैं ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग है, और इसके द्वारा हम ये कर सकते हैं कि बटन पे क्लिक करके हमें एक अलर्ट मैसेज आ जाए, और नीचे हमने सबमिट और रीसेट बटन्स बनाए हैं। रीसेट पर हम क्लिक करते हैं तो जैसे यहां पर मान लीजिए हमने कुछ भी लिखा, अगर आप इस क्लियर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लियर हो जाएंगे, यानी आपने फॉर्म जब आप एंटर कर रहे हैं डेटा, आपसे कुछ गलती हुई आप चाहते हैं उसको साफ कर दें, क्लियर कर दें, आप दोबारा से वैल्यूज एंटर करें, तो रीसेट बटन के द्वारा ये चीज संभव है। लास्ट में हम फॉर्म को क्लोज करेंगे, फॉर्म की क्लोजिंग देंगे फॉर्म टैग की। तो इस तरह से कंप्लीट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का फॉर्म बना सकते हैं अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स के उपयोग से।
तो बच्चों इस तरह से हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। चलिए अब एक फ्रेम का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से फ्रेम्स होते हैं और आप फ्रेम्स क्रिएट करके अपने डेटा को, अपनी अलग अलग फाइल्स को एक साथ दिखा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं एक ही विंडो के अंदर आपका एक HTML पेज और दूसरा HTML पेज हॉरिजॉन्टली डिवाइड होकर आ जाए, तो वो चीज भी संभव है। ये देखिए, इस पेज में आप देख रहे हैं क्या हुआ है। एक तो ये फाइल दिखाई दे रही है, आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये एक दूसरी फाइल है, ये भी इसमें दिखाई दे रहा है, और ये तीसरा फ्रेम है जिसमें भी हम कोई अन्य फाइल देख सकते हैं, राइट? अब ये तीनों अपना अलग अलग स्क्रॉल हो रही हैं, आप तीनों को देख पा रहे हैं। और ये तीनों कैसे दिख रही हैं? कॉलम वाइज दिख रही हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा फ्रेम, ये जो कि कॉलम के फॉर्म में है। तो कैसे हम फ्रेम्स बनाते हैं, इसका कोड हम देखते हैं। जिस भी फाइल में, जिस भी वेब पेज में आप फ्रेमिंग करते हैं, उसमें बॉडी टैग नहीं लिखते। ये देखिए, ये सिंपल सा कोड है, और इस कोड के कारण क्या हो रहा है, इस कोड के कारण, ये देखिए, इस कोड के कारण आपको इस तरह का डिस्प्ले मिल रहा है। कितना कुछ दिख रहा है इसमें, तीन तीन फाइल दिख रही हैं, लेकिन जब हमने कोड देखा तो कोड तो इतना सही है और कहीं पर भी बॉडी टैग नहीं है। ऐसा क्यों? जैसा कि अभी मैंने बताया, इस पेज में, इस फाइल में हमने क्या किया है, हमने तीन फ्रेम्स बनाए हैं। जिस वेब पेज में हम फ्रेम्स बनाते हैं, जैसे कि यहां पर हम फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं अपनी विंडो को, तो इसमें कोई बॉडी टैग नहीं आएगा। हम यहां पर केवल फ्रेम सेट टैग काम में लेंगे, HTML टैग के बाद सीधे फ्रेम सेट लेंगे और बताएंगे कि कितने कॉलम्स या कितने रोज में हमें डिवाइड करना है। और उसके बाद अलग अलग फ्रेम, जैसे यहां पर हमने बताया कि तीन कॉलम्स बनाओ, जो कि तीन फ्रेम्स बनाएंगे जिसमें कि इक्वल विड्थ होगी। तो स्टार कॉमा स्टार, इससे हम बता रहे हैं कि तीनों कॉलम्स, तीनों फ्रेम्स इक्वल साइज के होंगे। पहला फ्रेम, उसके अंदर कौन सी फाइल खोलनी है, वो हमने इस फ्रेम टैग से बताया। फ्रेम, उसका नाम और उसका सोर्स, एसआरसी मतलब सोर्स। सोर्स के अंदर हम बताते हैं यूआरएल, उस फाइल का यूआरएल जो कि हमें इस फ्रेम में दिखानी है। इसी तरह से ये दूसरा और ये तीसरा फ्रेम, तीनों फ्रेम हमने बता दिए। उसके बाद हम फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे, HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो इसलिए ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, तीन फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? आप देखिए, इस फ्रेम को हम छोटा बड़ा भी कर पा रहे हैं। शुरुआत में वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि आपने लिखा है, लेकिन बाद में आप उसकी जो विड्थ वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं स्क्रॉल करके, इस तरह से स्क्रॉल करके भी पेज को देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे कि ये वाला पेज है, इसको मैं रिसाइज नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही पहले वाले फ्रेम को रिसाइज? क्योंकि पहले वाले फ्रेम को बनाते वक्त मैंने उसमें लिख दिया नो रिसाइज, नो रिसाइज एट्रीब्यूट लगा दिया, जिसकी वजह से इस फ्रेम को रिसाइज करना संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस फाइल में, इस HTML कोड में कहीं पर भी बॉडी टैग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रेम सेट है। जिस फाइल में हम फ्रेमिंग करते हैं, जैसे ये वाला जो वेब पेज है, इसमें हम केवल ये बताएंगे कि भाई हमारी जो विंडो है वो कितने रोज या कॉलम्स में विभाजित होके दिखे। जैसे यहां पर हमने कॉलम्स लिखा है, उसकी जगह अगर हम रोज में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे रोज। फाइल को सेव कर देंगे। अब देखिए, रिफ्रेश करते हैं, अभी कॉलम्स दिखाई दे रहे थे,
लेकिन अब क्या दिखाई दे रही है, तीन रोज। ये पहला पेज, ये दूसरा फ्रेम और ये तीसरा। तो इस तरह से हम अलग अलग रोज कॉलम्स में विभाजित करके देख सकते हैं अपने एक वेब पेज को, अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग वेब पेजेस ओपन करके रख सकते हैं, राइट। तो ये संभव हो पा रहा है फ्रेम सेट टैग की वजह से। यहां पर हम बताते हैं रोज या कॉलम्स किस में हमें डिवाइड करना है, और जैसे हमने यहां पर स्टार स्टार दिया, इसकी जगह हम परसेंट में भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहली जो रो है वो मुझे 20% दिखानी है और दूसरी रो मुझे लेट से 80% दिखानी है। मान लीजिए मुझे दो ही दिखानी है, तो एक फ्रेम हम कट कर देते हैं, ये फ्रेम हटा देते हैं, दो फ्रेम हो गए, एक 20% और एक 80%। फाइल को सेव करेंगे और यहां पर रिफ्रेश करके देखेंगे। देखिए अब केवल दो ही फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं, ये पहला फ्रेम और ये दूसरा फ्रेम, ये पहला और इसके नीचे ये दूसरा फ्रेम, राइट। क्योंकि यहां पर हमने इसी तरह से लिखा है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि जो दूसरी रो है उसको दो कॉलम्स में विभाजित कर दें। वो कैसे करेंगे, यहां पर हम वापस से चाहें तो फ्रेम सेट लगा सकते हैं। डबल कोट्स में हमें बताना होता है कि कितना कितना साइज देना है, तो स्टार कॉमा स्टार मतलब दोनों का इक्वल साइज। अगर तीन में करना है तो स्टार कॉमा स्टार कॉमा स्टार, इस तरह से करा जाता है। क्योंकि हमने एक और फ्रेम सेट ओपन किया है तो ये फ्रेम सेट भी हम क्लोज करेंगे। फाइल में चेंजेस करा है तो सेव करके अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए अब की बार क्या हो रहा है, पहली रो एज इट इज आ रही है, लेकिन दूसरी रो में क्या हो रहा है, दूसरी रो को हमने विभाजित कर दिया दो कॉलम्स में। ये कैसे किया हमने, ये हमने क्या करा, एक फ्रेम सेट के अंदर हमने ये फ्रेम लगाया, फिर यहां पर हमें दूसरा फ्रेम लगाना था लेकिन उसकी जगह वापस से हमने फ्रेम सेट लगा दिया, जहां पर हमने बताया कि इस रो को दो कॉलम्स में विभाजित कर दे। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से अलग अलग फ्रेम्स को, अपनी विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में विभाजित करके अलग अलग फ्रेम्स के अंदर अलग अलग वेब पेजेस दिखा सकते हैं, राइट। तो आज आपका फॉर्म्स और फ्रेम्स दोनों टॉपिक्स का रिविजन हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये अब क्लियर हो गए होंगे। आप अच्छे से फॉर्म्स, किसी भी तरह का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और कैसे भी अपनी विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में विभाजित कर सकते हैं। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।